हैप्पी होली एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। लीजिए कि सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और अभी आप लोग में थोड़ा सा शादी तेजी दिख रही हूँ, इतना नहीं, जस्ट नॉर्मल। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा होली का दहन है, तो एक बिंदी लगाने से अच्छा लगेगा क्या? बिंदी लगा ले, तेरे को बंद कर दिया, अभी चलती हूँ। पैसा नहीं आ रही, पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड है, मैंने कुछ नहीं लिया। चलो हम लोग आते आते लेट हो गए थे, छोटाली का दहन हो चुका है, आप देख ही सकते हो। और क्या लेट हो गए थे, पूरा सो गए थे, सो तो नहीं गए थे, सो नहीं पाए थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर 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 चल ही रहा था। सो होलिका दहन में आप लोग भी अपना सारा, मतलब जो भी है, दुख दर्द बुराई, आप लोग भी डाल ही दीजिए इसके, मतलब जो भी नियम वगैरह है। मैं जाते जाते हमारा लेट हो गए थे, जो जितना हुआ आप लोगों को दिखाए, और मुझे लगा कि दूसरे फील्ड पे होगा, पर उधर नहीं हुआ, इधर ही हुआ है। अब हर्षित तो तंग कर रहा था, उधर वो जाना चाह रहे थे, लेकिन उधर ना आग का जो भी है ना, वो छिटा आ रहा था, देख सकते हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि इसी वजह से कुछ लोग रास्ते से ही दिख रहा था। मामा गन दिखा, तो हम लोग उधर से थोड़ा सा कलर वलर लाने के लिए आ गए। दिखा मम्मी को, दिखा मम्मी को, दिखा क्या खरीदा मम्मी ने, हैंडसम, हम कलर करेंगे। चलो 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 के बाद। थोड़ा सा मैंने इसमें दो मिर्ची भी डाला था पेस्ट के टाइम पे,
नमक डाल के इसको थोड़ा सा मतलब फेंट लिया था बिटर से। फेंटने के बाद अभी सारा बड़ियों को तल लेते हैं। होली के दिन कोई आए तो कुछ तो दे दे, कोई आए या ना आए हम लोग ही कुछ तो खा लेंगे। क्या आप लोगों का देख देख के ऐसे ही मतलब सिंपल तरीके से ही बना आए हूँ। और इधर मिठाई की दुकान उस तरह का नहीं है, तो जहाँ से गुजिया गुजिया बना लो। और गुजिया बनाने का जो भी है तो तीन लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करने का मन नहीं करता है। जो मेरा पूरी सारा पकौड़े हो गया है, और अभी इसको पानी को थोड़ा सा नमक के साथ इसको बॉईल किया है पानी को, और सारे पकौड़े को थोड़ा सा पानी में डाल दूंगी थोड़े टाइम के लिए। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा वो सॉफ्ट वाला नहीं, थोड़ा सा मतलब क्रंच क्रंच अच्छा लगता है। बट ये नहीं बना, इतना टाइम नहीं है कि चटनी बटनी बना लूँ। सिंपल तरीके से इधर मैडम क्योंकि पेट वगैरह बहुत गर्म रहता है, ये हेल्दी भी रहता है। और होली वगैरह धूप में, अभी धूप गर्मी हो गया है तो धूप के उधर थोड़ा सा आने के बाद ये दही बड़ा खाने से आराम भी मिल जाएगा। और मैंने सुबह ही दही बनाने के लिए दही को गर्म करके दिया था, मतलब सॉरी दूध को गर्म करके पहले का दही था, दही जमाने के लिए रख दिया था। और भुना हुआ ना जीरा नहीं था, तो मैंने क्या किया, जीरा पाउडर को ही थोड़ा सा रोस्ट कर लिया तवा में जुगारू भाई, क्योंकि बिना भुना हुआ जीरा के टेस्ट अच्छा नहीं लगता है दही में, मतलब दही बड़ा में। तो मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही सिर्फ जस्ट दही के। और इधर थोड़ा सा नमक और मैंने चीनी भी डाल दिया क्योंकि खट्टा है ना, ज़्यादा खट्टा मैं खा नहीं पाती हूँ। और मीठी चटनी वगैरह बनाई नहीं हूँ, तो मैं इधर ही नमक थोड़ा सा रेड चिली पाउडर नहीं दूँगी क्योंकि मैं पकौड़ी में ही दो मतलब मिर्ची दिया था, हरी मिर्ची, इसीलिए वो ज़्यादा तीखा बीखा नहीं खा पाएंगे क्या करें फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो सीधा तरीके से बहुत ही हेल्दी हेल्दी बोल सकते हो क्योंकि जितना भी ऑयल वगैरह है पकोड़े का पानी में चली गई है। और ऊपर से मैंने भुना हुआ जीरा जो बनाए थे ना वही डाल के दे दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल तरीके से होली के दिन के लिए। कैसा लगा बताइए। किचन में बहुत सारा काम था तो सारा क्लीनिंग व्लीनिंग किया, बर्तन बर्तन धोया। कल त्यौहार के दिन अच्छा थोड़ी ना लगता, सुबह सुबह उठ के छूटा बर्तन वगैरह धोया, तो सारा किचन विचन क्लीन किया। और मिठाई वगैरह लाया नहीं, नीचे जाना पड़ता, इधर नहीं मिलता है, तो आलस आ गया था। हम लोग 7 बजे इधर से गए थे, तो लोग आएंगे तो अगर आ गया तो क्या दूंगा। दही मेरा थोड़ा सा हर्षिता भी खेल रहा है और उसके पापा को कुछ खिलौना वगैरह लाने का टाइम नहीं मिला, तो यही इसलिए थोड़ा सा कलर वलर लाने के लिए मार्केट चले गए थे। आने के बाद दही बड़ा बनाया जो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर किया। इतने अच्छे तरीके से चटनी वटनी बनाने का टाइम नहीं है भाई, इतने ना किचन में ऐसे धूम मचाया है, बच्चे का खाना हमारा खाना बनाना इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, तो बहुत कम टाइम में मैंने बनाया है, शेयर किया आप लोगों के साथ। आप लोग तो बहुत कुछ बनाए गुजिया भुजिया, कोई बात नहीं, मैं नहीं बना पाई फिर भी, मतलब लोग आएंगे तो पानी के साथ कुछ तो दूंगी ना मतलब खाने के लिए, तो वही काफ़ी है। और ये शैतान देखो तो ये तो खुश है, आज ही होली जाने के लिए ये रेडी हो गया है। फिर कल थोड़ा सा 1 घंटे के लिए लेके जाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेकूँगी, खाना बना बना के जाऊंगी, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी, आप लोग भी शेयर कीजिएगा देखने के लिए इच्छुक हूँ। तो इतना ही होली की तैयारी, थोड़ा बहुत 3 ही लोग की क्या तैयारी करूँगी, और इतना लोग वो बुलावा पार्टी वार्टी नो इस ईयर कुछ नहीं है। हस्बैंड का एग्ज़ाम ये ख़त्म हो गया है, बाकी सब आ रहा है। तो चलो आप लोगों की ब्लॉग के इंतज़ार में, और सबको फिर से हैप्पी होली मेरे तरफ से आपको और आपकी पूरी मतलब फैमिली को। मज़े से इंजॉय कीजिए, बहुत सारा खाना खाइए, स्नैक्स खाइए, दिखाओगी और मैं वही ना क्या बोलता है इसको पानी मुंह में पानी आएंगे तो मैं वही कटक लूँगी, चलेगा चलो मिलते हैं होली ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय, हैप्पी होली के।